शहर में आए दिन धोखाधड़ी के मामलों में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा एक मामला शहर के शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। फिरियादी चंद्रशेखर सारापल्ली उम्र 50 साल निवासी सुगत नगर इनके साथ पैसों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फिरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस जांच में जुट गई है। आए दिन शहर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिरियादी चंद्रशेखर सारापल्ली के साथ हुआ। चंद्रशेखर सारापल्ली शांतिनगर परिसर के इतवारी रेलवे स्टेशन नागपुर यहां पर इलेक्ट्रीशियन पद पर कार्यरत है। फिरियादी चंद्रशेखर को 8 मार्च 2020 को आरोपी द्वारा फोन कर कहा गया कि RBI से बोल रहा हो और मेरा नाम CL यादव है और आपके नाम से LIC का 40 लाख का बोनस आया है जिसके लिए कुछ चार्ज देने पड़ेंगे जिसकी कीमत 1,19,500 रुपये भरने होंगे और आरोपी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया गया। फिरियादी द्वारा उस अकाउंट नंबर पर 1,19,500 रुपये डाले गए। इस तरह दिए गए अकाउंट पर फिरियादी द्वारा कई बार पैसे डाले गए। अब तक फिरियादी द्वारा आरोपी के अलग अलग अकाउंट पर 11,64,934 रुपए डाले गए हैं। फिर भी फिरियादी को बोनस के 40 लाख रुपए नहीं मिलने पर फिरियादी ने जब आरोपी को कॉल किया तो नंबर बंद आया जिससे फिरियादी को धोखाधड़ी होने का अंदेशा हुआ जिसके बाद फिरियादी ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कर आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। जनतेला एवढीच विनंती करणार का जे काही सेल्समॅन आहेत तुमच्या घरी येतात तर वस्तू आता आजकाल बेरोजगारी वाढल्या त्याच्यामुळे सगळ्या लेडीज म्हणा मुली म्हणा एक सेल्समॅन म्हणून घरोघरी जाऊन एखाद वस्तू विकतात। आता ते विकणाऱ्या माणसाला पटलं तर घ्यावं नाही तर नाही घ्या, परंतु त्या जर म्हणत असतील की बा आम्ही इथं प्रेझेंटली आलो या भागामध्ये म्हणून आमच्या कंपनीला तुम्ही फोन लावा आणि आलेला तो OTP नंबर असेल तर आम्हाला सांगा, तर हे चुकीचं आहे। आपण आपला OTP नंबर त्याच्या कंपनीला पूर्ण का द्यायचा, त्याच्यामुळे आमच्यापासून भविष्यामध्ये अशी एका पण चांगली फसवणूक होऊ शकते। तुमच्या बँकेमध्ये आजकाल विचित्र घटना घडतात, बँकेमधून आपले पैसे गहाळ होत आहेत। आपण असाच एखादी कोणाला OTP नंबर दिला क्षणामध्ये पूर्ण पैसे गहाळ आपल्या बँकेतून निघून जातात। त्याच्यामुळे जनतेला एक विनंती राहील का आपलं स्वतःचा कोणताही डॉक्युमेंट OTP नंबर म्हणा मोबाईल बँक खात्याचं असं कुणालाही देऊ नये। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए नागरिक सतर्क रहे ताकि ऐसे ठगबाजों के शिकार न बन पाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज़ नागपुर।